हाय स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में मैं आपको नोटिस देने आया हूं और वार्निंग भी देने आया हूं कि कुछ स्टूडेंट है हमारे जो पिछले साल के 2019 का फॉर्म नहीं भरने के वजह से इस साल का भी फॉर्म अभी तक नहीं भर पा रहे हैं, तो उनके लिए एक सलूशन मैंने लाया हूं। और साथ ही साथ आपको ये भी बता दूँ कि उनके लिए लास्ट डेट 25 मार्च 2021 है, मतलब आज है तारीख 21 और 4 दिन बाद 25 मार्च 2021 है। उन पिछले साल 19-20 एकेडमिक के जो स्टूडेंट है उन लोगों को लास्ट डेट आ चुकी है। 19-20 एकेडमिक ईयर के स्टूडेंट को जो पिछले साल का स्कॉलरशिप का फॉर्म अभी तक करेक्शन नहीं करें और फॉर्म करेक्शन नहीं करने की वजह से वो 20-21 एकेडमिक ईयर का भी फॉर्म नहीं भर पा रहे हैं, तो उनके लिए लास्ट डेट आ चुकी है, वो है 25 मार्च 2021। यहाँ भी दिख रहा होगा, आप अगर आपके होम पेज पे जाएंगे स्मार्ट डीबीटी स्कॉलरशिप के तो आपको स्क्रॉल मैसेज नोटिस के थ्रू दिखाई देगा। तो ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जिन लोगों का पिछले साल का स्कॉलरशिप का फॉर्म अभी तक करेक्शन में ही पेंडिंग है, जिनको सेंड बैक किया गया है। तो मैंने ऑलरेडी मेरे कई सारे वीडियो में मैंने बता चुका हूँ गवर्नमेंट का जो स्क्रूटिनी और वेरिफिकेशन प्रोसेस होता है वो कैसे होता है। आप ऑनलाइन फॉर्म भरते हो, कॉलेज को जाता है, जो ये वाला आप बॉक्स देख रहे हो ये कॉलेज के पास दो स्टेज पे वेरिफिकेशन होता है, डेस्क 1 डेस्क 2 का आपको SMS भी आता है, अगर आप लोग में से किसी लोग को आया भी होगा। मगर ये इत्मीनान नहीं हो जाना है कि भाई डेस्क 2 का मैसेज आया मतलब मेरा काम हो गया, ऐसा नहीं है। आपको गवर्नमेंट के भी डेस्क 1 डेस्क 2 के मैसेज आने चाहिए, जॉइंट डायरेक्टर एंड डायरेक्टर का मैसेज आना चाहिए कि अप्रूव हुआ है और वाउचर बनना चाहिए। अगर आपको अप्रूव्ड एप्लीकेशन के अंदर माई अप्लाइड स्कीम पे जब क्लिक करके अप्रूव्ड एप्लीकेशन में आते हो और फिर आपको यहाँ पे ऐसा इस पे क्लिक करने के बाद ऐसा वाउचर आता है तो समझ जाइए कि आपका कोई इशू नहीं है, आपका कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपके फॉर्म का कोई मसले मसाइल नहीं है, आप इस साल का फॉर्म भर सकते हैं। चाहे आपको पैसे आए नहीं हो, चाहे पैसे आपको पिछले साल के नहीं आए हो, मगर वाउचर आपका आ गया है तो इसका मतलब आप इस साल का फॉर्म भर सकते हो। तो ये काफ़ी सारे स्टूडेंट मेरे को कमेंट में पूछ रहे थे कि सर मैं इस साल का फॉर्म भर सकता हूँ क्या, मुझे पैसे नहीं आए। भाई आपको वाउचर आ गया तो समझो कि आप पैसे भी आने वाले हैं और ये आप समझ लो कि 20-21 एकेडमिक ईयर का फॉर्म भर सकते हैं। मगर इस वीडियो में मैं खास करके उन लोगों के लिए आया हूँ जो स्टूडेंट 19-20 का फॉर्म अभी तक नहीं भर पाए हैं और जिसके वजह से इस साल 20-21 का फॉर्म भी नहीं भर पा रहे हैं। तो जब भी आप प्रोफाइल में जाते हो लॉगिन करने के बाद तो आप लोग को ऐसा मैसेज आता होगा और मैसेज में लिखकर आता है कि 19-20 का फॉर्म जब तक आप नहीं भरोगे तो 20-21 का फॉर्म नहीं आएगा। तो उसके लिए क्या सोल्यूशन है, अप्रूव, रिजेक्टेड, अलॉटेड या डिस्पर्स, ऐसा कुछ तो होना चाहिए आपके फॉर्म के साथ। तो इसका मीनिंग क्या है ये सब बच्चे समझ ही नहीं पा रहे, इसका मतलब क्या है मैं बताता हूँ इसका क्या मतलब है। पहले तो आप लॉगिन करने के बाद माय अप्लाइड स्कीम हिस्ट्री पे जाइए, क्योंकि अभी जो पिछले साल का फॉर्म अभी माय अप्लाइड स्कीम में नहीं मिलेगा, माय अप्लाइड स्कीम में इस साल का फॉर्म मिलेगा 20-21 का। पिछले साल के सारे फॉर्म जितने भी आपने भरे हैं पिछले साल वो माय अप्लाइड स्कीम हिस्ट्री में मिलेगा। आप ईयर सेलेक्ट कीजिए 18-19-19-20, 18-19 का तो नहीं कर सकते क्योंकि वो जा चुका है, 19-20 का अभी भी आपको 25 तारीख तक लास्ट डेट है। तो अंडर स्क्रूटिनी एप्लीकेशन के अंदर अगर आपको 19-20 का एप्लीकेशन आईडी में री अप्लाई लिख कर आ रहा है, मतलब गवर्नमेंट हैव गिवन यू द अपॉर्चुनिटी, गवर्नमेंट ने आपको अपॉर्चुनिटी दिया है कि अभी भी आप करेक्शन करके अपना फॉर्म भर सकते हैं और पिछले 19-20 का एकेडमिक ईयर का स्कॉलरशिप भी हासिल कर सकते हैं और फिर इस साल का भी फॉर्म भर के स्कॉलरशिप हासिल कर सकते हैं। ये गवर्नमेंट, महाराष्ट्र गवर्नमेंट का मैं शुक्रगुजार हूँ और आप सबको भी शुक्रगुजार होना चाहिए कि गवर्नमेंट ने तकरीबन मोर देन 1 ईयर का टाइम दिया है ये करेक्शन करने के लिए। तो सैंडबैग अगर आपको स्टेटस आया है सैंडबैग टू एप्लीकेंट, तो आप क्या करें, आपने क्या मिस्टेक किया ये भी तो जानना पड़ेगा ना कि क्यों आपको रिटर्न आया है। तो आप उसके लिए मैंने ये जो रीअप्लाई बटन पे क्लिक करोगे तो रीअप्लाई करने के लिए के बाद क्या करना पड़ता है मैंने इस वीडियो में बताया हूँ। मेरे प्लेलिस्ट में जाइए, प्लेलिस्ट में रीअप्लाई वाला वीडियो को क्लिक करके उसमें मैंने पूरा बताया हूँ। फिलहाल मैं आपको आगे का प्रोसेस बताता हूँ कि इसमें क्लिक कीजिए। आप क्लिक करने के बाद आपको ऐसा पॉपअप आता है, इस पॉपअप में रिमार्क लिखा होता है कि भाई किस रीज़न की वजह से आपको सेंडबैक किया गया है, वो रीज़न के मुताबिक आप अपना रीअप्लाई कीजिए। देखो यहाँ पे कितनी तारीख को रीअप्लाई हुआ है, अगस्त 2019, कितना टाइम चला गया, बहुत टाइम चला गया। 1 अगस्त को तो फॉर्म पिछले 19-20 का फॉर्म भरने का प्रोसेस स्टार्ट हुआ था और ये बच्चे ने अभी तक देखा ही नहीं कि भाई मेरा ये इतना बड़ा रिमार्क आ गया है कि भाई गवर्नमेंट ने अप्रूव भी नहीं किया, कॉलेज ने भी अप्रूव। अभी मैंने यहाँ पे कॉलेज क्लर्क का ही एग्जाम्पल दिया हूँ, कई सारे स्टूडेंट को तो गवर्नमेंट से भी रिजेक्ट हुआ रहेगा, डॉक्यूमेंट वैलिड डॉक्यूमेंट नहीं लगाए होंगे इस वजह से। तो आप पहले चेक करो और फिर क्या करेंगे आप,
रीअप्लाई पे क्लिक करेंगे, करेक्शन करने के बाद रीअप्लाई पे क्लिक करेंगे, जो भी तरीका है और मैं तरीका मैंने अपने प्लेलिस्ट में बताया हूँ, रीअप्लाई वाला वीडियो आपको अलग से देखना पड़ेगा। तो जैसे ही आप रीअप्लाई पे क्लिक करेंगे तो आपको पूछेगा आर यू श्योर यू हैव यू वांट टू रीअप्लाई, तो ओके पे क्लिक करना है। फिर आपको वही पूछता हैव यू मेड द चेंजेस विच इज मेंशन इन द रिमार्क, तो कौन सा रिमार्क, यही यहाँ पे जो आपने क्लिक करके जो आपको ऐसा रिमार्क आया था ना, इसी की जिक्र हो रहा है क्या, वो रिमार्क आपने कर दिया, तो ओके पे क्लिक करके फिर आप जो भी जैसे डोमिसाइल है तो डोमिसाइल को लिए आपको करेक्शन के लिए प्रोफाइल पे ही जाना पड़ेगा। प्रोफाइल में जाकर फिर पिछले साल का डोमिसाइल जो सर्टिफिकेट शायद आपकी अभी तक बनी नहीं है, कोविड की वजह से बहुत टाइम चला गया बनने को, तो वो अभी आप अपलोड कर सकते हैं, मगर 25 तारीख मार्च की 2021 की लास्ट डेट है, ठीक है। तो 19-20 का जो फॉर्म अभी तक आपने नहीं भरा है वो जल्द से जल्द भरें और भर के उसको अप्लाई भी कर दें, ताकि आपको पिछले साल का स्कॉलरशिप भी मिल जाए, और जब वो अप्लाई हो जाएगा ना, वहाँ का चार स्टेज का स्क्रूटिनी जो मैंने अभी स्टार्टिंग में बताया, चार बॉक्स उसकी स्क्रूटिनी कंप्लीट हो जाएगी, तो वाउचर जैसे ही आ जाता है, चाहे पैसे नहीं आए, वाउचर आ गया तो ये समझ जाना कि आप इस साल का भी फॉर्म भर सकते हो, आपका स्क्रूटिनी कंप्लीट हुआ तो इस साल का फॉर्म भर सकते हो, तो इस साल का फॉर्म भी भर लीजिए, ठीक है। ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, महाराष्ट्र सरकार का आपको बहुत बहुत शुक्रगुजार होना चाहिए कि उन लोगों ने आपको इतना लंबा वक्त टाइम दिया आपके डॉक्यूमेंट्स को करेक्शन करने का। आई एम वेरी थैंकफुल टू द गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र, और इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी को आप करें, और आपके जो दोस्त लोग जो भी फ्रेंड्स जो जो इस प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं, जिस प्रॉब्लम की वजह से पिछले साल की स्कॉलरशिप अटकी हुई है, इस साल का फॉर्म भी नहीं भर रहे, तो उनको ये वीडियो जरूर दिखाएं, और आप भी जरूर करें, क्योंकि अगर इस साल भी आपका ऐसा कुछ केस हो जाता है तो नेक्स्ट ईयर फिर आप अटक जाएंगे, क्योंकि सैंडबैग वाले ऐसा केस है कि अगर आपका सैंडबैग अटक गया फॉर्म और आपने करेक्शन नहीं किया तो आगे की कोई स्कॉलरशिप अगले साल से नहीं ले पाएंगे, तो जब तक इस साल का करेक्शन नहीं होगा अगले साल का आप नहीं कर पाएंगे, तो करेक्शन जरूर करें। गवर्नमेंट हमेशा हम बहुत टाइम देती है करेक्शन करने को, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज देती है, बार बार ये अपॉर्चुनिटी आती है, तो आप मेहरबानी करके प्लीज़ आपका ये काम कीजिए, और उन अपने दोस्तों को भी बताइए कि उनका कोई ऐसा प्रॉब्लम है तो वो सॉल्व करके लें, ठीक है। और मेरा ये वीडियो यूट्यूब चैनल पे जो मेरे कोडिंग बॉस है उसको अपने कॉलेज के व्हाट्सएप ग्रुप का जो क्लास चलता है आपका उसमें ज़रूर शेयर करें। टिल देन साइनिंग आउट कोडिंग बॉस।